नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर बेल्लारी लोकसभा सीट पर देखने को मिला। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस लोकसभा सीट पर 2004 से बीजेपी का दबदबा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी से यह सीट लगभग छीन ली है। इस सीट पर 2014 में बेल्लारी किंग के नाम से मशहूर रेड्डी ब्रदर्स के बेहद करीबी बी श्रीरामालू ने चुनाव जीत हासिल की थी। इस साल मार्च में कर्नाटक चुनाव के दौरान श्रीरामालू ने चित्रगुप्त से विधानसभा चुनाव जीता था और बेल्लारी की लोकसभा सीट छोड़ दी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा भी चली थी कि यदि बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में आती है तो बीएस येदियुरप्पा सरकार में श्रीरामालू को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह उनको कर्नाटक में बीजेपी का दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के कारण येदियुरप्पा ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस लोकसभा उपचुनाव में श्रीरामालू के बहन जे संथा को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस के नेता वीएस उगप्पा की 2 लाख से भी अधिक वोटों की बढ़त ने यह मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में निर्णायक साबित कर दिया है। इस तरह कांग्रेस ने बीजेपी से यह सीट एक बार फिर से छीन ली है। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जे संथा इस सीट से लोकसभा चुनाव जीती थी। दोस्तों आपको बता दें कि बेल्लारी कांग्रेस का गढ़ रहा है। 14 लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने यहां से जीते हैं। 1999 में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बेल्लारी से लोकसभा चुनाव जीतकर यहां से सियासी करियर शुरू किया था। उन्होंने उस चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज को हराया था। इस बार यह 15वीं जीत है।